ज़्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉय से जॉब ज्वाइन करते वक्त बॉन्ड या एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। कई बार एम्प्लॉय को ये भी ठीक से पता नहीं होता कि उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है, लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी का एग्रीमेंट आपको जॉब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। कंपनी जब एग्रीमेंट करती है तो उसमें ज़्यादातर तीन तरह की बातें होती है। एक होती है ड्यूरेशन, यानी कि आप उस कंपनी के साथ कितने टाइम तक काम करोगे। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटर एग्रीमेंट, यानी कि अगर आप वो कंपनी छोड़ते हो तो कंपनी छोड़ने के बाद कुछ समय तक आप उनके कॉम्पिटिटर रहे किसी भी कंपनी को कुछ समय के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी छोड़ने के बाद कुछ समय तक आप उस कंपनी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रही कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसे ही नॉन कॉम्पिटिटर क्लॉज भी बोला जाता है। और थर्ड होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी के सॉफ्टवेयर्स, प्रोजेक्ट डाटा या कंपनी का किसी भी तरह का डाटा दूसरे कंपनीज के साथ शेयर नहीं कर सकते। इन तीनों बातों को हम अब एग्जांपल लेके समझेंगे। फर्स्ट है ड्यूरेशन। एक विनय नाम का बंदा है, उसने एक कंपनी ज्वाइन की है। अगर विनय उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी साइन कर लेता है, एग्रीमेंट के मुताबिक विनय को कंपनी के साथ 24 मंथ्स तक काम करना पड़ेगा। अब कंपनी ने विनय के ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया, उसे अच्छे से रिसोर्सेज दिए, लेकिन अब विनय 12 मंथ्स होने के बाद ही कंपनी छोड़ना चाहता है। अब विनय को कंपनी को कंपनसेशन देना होगा, यानी कि कुछ पेनल्टीज देने होंगी, लेकिन वो अमाउंट रीजनेबल भी होनी चाहिए। अगर कंपनी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रही है तो विनय कंपनी पे कोर्ट केस कर सकता है, और इस केस में कोर्ट ये देखेगी कि कंपनी ने विनय की ट्रेनिंग पर कितना इन्वेस्टमेंट किया है और इसी के साथ विनय ने कंपनी के साथ कितना काम किया है। इन दो चीज़ों के बेसिस पे कोर्ट ये फैसला करेगा कि विनय को कंपनी को कितने पैसे देने होंगे। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर क्लॉज। अब विनय ने कंपनी छोड़ दी है, लेकिन कंपनी के साथ किए गए एग्रीमेंट में नो कॉम्पिटिटर क्लॉज भी उसने साइन किया हुआ था। उस क्लॉज के मुताबिक विनय अब कुछ समय के लिए उस कंपनी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहे किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये समय 6 मंथ का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। अब प्रैक्टिकली अगर विनय किसी कॉम्पिटिटर की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और पहले वाली कंपनी इस बात के लिए विनय पर केस कर देती है तो थेरोटिकली ये इलीगल होगा, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि इस केस में भी कोर्ट मैक्सिमम विनय की साइड लेगी। अब तक से ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि कोर्ट एम्प्लॉय की साइड से रिजल्ट देता है, इसीलिए ये क्लॉज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और तीसरी कंडीशन रहती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, जिस क्लॉज के मुताबिक विनय कंपनी के डाटा या कंपनी के सॉफ्टवेयर या कंपनी की किसी भी तरह की जानकारी दूसरे कंपनीज के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब सोचिए कि विनय कंपनी की मार्केटिंग करता था, तो अब विनय के पास सारे मार्केटर्स के नंबर है। अगर विनय सोचता है कि वो उन नंबर्स की मदद से दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा और उन्हें उससे हेल्प हो जाएगी, तो ये इलीगल है। अगर कंपनी के पास उनके डाटा या प्रोडक्ट्स को लेकर स्ट्रांग प्रूफ्स है तो कंपनी विनय पर केस कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर बार कोर्ट ऐसे केसेस में भी एम्प्लॉय की तरफ से ही फैसला देता है। फिर भी कंपनी की किसी बड़ी सीक्रेट को स्पॉइल करना या फिर कंपनी के कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स और डाटा को किसी और कंपनी के साथ शेयर करना इलीगल है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय है तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ना करें। एटलीस्ट कुछ समय के लिए सही, आप अपनी ओल्ड कंपनी का डाटा किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड कब रहता है। फर्स्ट है एग्रीमेंट कंपलसरी एक स्टैम्प पेपर पे लिखा होना चाहिए और उसकी नोटरी भी करवा लेनी चाहिए, तभी ये एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। सेकंड है ये एग्रीमेंट फ्री एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, बिना किसी पर दबाव बनाए, और इसी के साथ एग्रीमेंट में कोई गलत चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट में लिखी सारी बातें सही होनी चाहिए। थर्ड है कंपनी की जो भी कंडीशंस और रूल्स है वो सारी एग्रीमेंट्स में लिखे होने चाहिए, जिन्हें तोड़ने पर एम्प्लॉय को पेनल्टी लग सकती है। फोर्थ है वो कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर कंपनी को एम्प्लॉय की वजह से लॉस होता है तो उन कंडीशंस और रूल्स की मदद से कंपनी उस लॉस को रिकवर कर सके, ना कि उन रूल्स से एम्प्लॉय को एक्सटॉर्शन हो। कोई भी कंपनी रूल्स और कंडीशन बताकर अपने एम्प्लॉय को एक्सटॉर्ट या फिर ब्लैकमेल नहीं कर सकती।
फिफ्थ है, कंपनी के पास प्रॉपर ट्रेनिंग मटेरियल और बाकी रिसोर्सेज भी होने चाहिए जिसकी मदद से वो एम्प्लॉय को ट्रेन कर सके। और अगर आगे जाके कंपनी और एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट होता है तो प्रूफ के लिए कंपनी ट्रेनिंग मटेरियल और रिसोर्सेज को दिखा सकती है। इन बताए हुए रूल्स में से अगर एक भी रूल फॉलो नहीं होता तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहता। इसी के साथ अगर आप स्टैम्प पेपर के बारे में और जानना चाहते हैं तो उस पर एक अलग सी वीडियो पहले से ही बनी हुई है, उसकी लिंक आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि उन पर वीडियो बनाया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।